हेलो फ्रेंड्स, माधव किचन में आपका स्वागत है और मेरा नाम सीमा है। आज मैं आपको पनीर और पालक की एक बढ़िया सी रेसिपी बताने वाली हूँ। उसके लिए जो जो मैंने सामान ले रखा हुआ है वो आपके सामने है। प्याज, टमाटर, ये दो तीन टमाटर हैं, दो प्याज है, एक कटोरी धनिया है, खड़ी ये हरी धनिया है और एक कटोरी पालक है, कुछ खड़े मसाले हैं, लहसुन और अदरक है और यहाँ पर कम से कम 200 ग्राम हमारा पनीर है। तो इसको हम बनाते हैं और ये जो पनीर है वो हैदराबाद का एक स्पेशल पनीर है जो मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। तो मैंने अपने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी थी और मेरी कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे क्योंकि हमको प्याज वगैरह फ्राई करनी है। तो हमने इसमें 3 चम्मच तेल डाला है। अब तेल हमारा जो है गर्म हो चुका है। इस गर्म तेल में हम सबसे पहले अपने खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और जीरा वगैरह सब डाल रखा है मैंने। अब हमारे मसाले देखिए भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और मिर्ची। और इसको हल्का ब्राउन सॉटे करेंगे। इसी में डालेंगे टमाटर। ये सब मैंने बड़े खड़े ही काट के फ्राई करी तो क्योंकि अब इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी। लहसुन और अदरक, अभी टमाटर और प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैं एक कटोरी पालक डालूंगी और थोड़ा सा धनिया। अब इनको भी हम थोड़ा सॉटे करेंगे जब तक पालक के पत्ते और धनिया के पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसको सॉटे करेंगे और गैस जो है हम अपना मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कि थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। उसके बाद इसको अभी हम चलाते रहेंगे। गैस थोड़ी सी हाई कर देंगे जिससे कि बिल्कुल अब ये पालक और धनिया बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। आप चाहेंगे तो ये जो गरम मसाला का है तेज पत्ता इसको आप बाहर निकाल दीजिए क्योंकि अभी इसको हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। अब ये मसाला बिल्कुल आपकी ग्रेवी बिल्कुल सही हो चुकी है। अब इसको मैं 5 मिनट ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। अब ये हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल पिस के तैयार हो गया है। अब हमारी कढ़ाई गर्म है, इसमें हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म होते ही इसमें हम अपने कुछ मसालों को डालेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हमने एक छोटी सी मिर्ची डाली, थोड़ा सा जीरा डाला और थोड़ी हमने हींग डाली। जैसे ही हींग और जीरा हमारा ब्राउन हो जाएगा वैसे ही हम अपना पालक, प्याज और टमाटर वाला पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। हमारा जीरा ब्राउन हो गया, इसमें अपना पेस्ट डाल देंगे। गैस को सिम रखना है, दूर से डालिए, थोड़े से छिपके आ रहे हैं इसलिए इसको दूर से ही डालना है।
इसको हम 5 मिनट तक थोड़ा सा भूनेंगे। गैस हमारी मीडियम पे ही है और अभी हम अपने प्याज और ये पेस्ट को, पालक प्याज और टमाटर के पेस्ट को इसको भून लें। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसिक मसाला डालेंगे, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, धनिया, जीरा मसाला और थोड़ा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और इनको धीरे धीरे से चला दें, धीरे से ही करें। जब तक ये सारे मसाले भून नहीं जाते हैं तब तक 5 मिनट इसको हम ऐसे ही चला देंगे। मसाला देखिए हमारा बिल्कुल भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड करेंगे। इसको पूरा ऐड करके मिक्स कर देंगे और भी सुंदर और अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें लास्ट में अपने पनीर के पीसेस डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रहे हैं, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी है, थोड़ा सा पतला कर देते हैं। और 2 मिनट के लिए इसको हम ढककर रख देते हैं जिससे कि ये पनीर के अंदर जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी मिक्स हो जाए। अब देखिए हमारा जो हैदराबादी जो पनीर है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और इसकी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी सी है, थिक ग्रेवी है और कलर भी बहुत ही प्यारा सा है। आइए इसको अब हम सर्व करते हैं। मेरी पनीर हैदराबादी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको आप, इस रेसिपी को आप अपने घर में बनाइए और टेस्ट कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।